ईबीडी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे गाड़ियों के ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ईबीडी, इसका मतलब हमें पता नहीं होता कि ईबीडी है क्या। इस वीडियो में पूरा ईबीडी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी वर्किंग कैसे वर्क कैसे करता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं ईबीडी से। सबसे पहली चीज कि ईबीडी का पूरा नाम क्या है। ईबीडी का पूरा नाम जो है इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों अगर इस नाम पे ही अगर आप धीरे फोकस करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि ईबीडी इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो ब्रेक फोर्स अप्लाई हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम ईबीडी कर रहा है। लेकिन कैसे कर रहा है और इसकी रिक्वायरमेंट क्यों, हम ये भी देखेंगे। पहली चीज कि हमें अलग अलग कंडीशन में बात करें। पहली कंडीशन कि हम व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं, व्हीकल ड्राइव करने के कंडीशन में अगर सिर्फ एक ड्राइवर बैठा हुआ है, यानी कि उसमें किसी भी तरीके का कोई लोड नहीं है, कंडीशन नंबर वन। उस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जब आप ब्रेक पेडल से ब्रेक अप्लाई करोगे तो उस समय जो व्हील्स हैं, चारों जो व्हील्स हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट है गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए, व्हील्स को रोकने के लिए, वो अलग होगी। दूसरा कंडीशन अगर ले हम कि ड्राइवर्स और को ड्राइवर्स दोनों साथ में बैठे हुए हैं, लोड बढ़ गई, लोड लेकिन शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, पीछे की तरफ खाली है, ना पैसेंजर है ना लगेज है, तो आपका जो लोड है वो क्या हो गया, आगे की तरफ शिफ्ट हो गया। उस कंडीशन में जब हम ब्रेक अप्लाई करेंगे तो माइट बी पॉसिबल कि जो पीछे वाले व्हील्स है उनको जो व्हील्स, जो पावर की रिक्वायरमेंट है, जो ब्रेक फोर्स की रिक्वायरमेंट है, वो अलग होगी रादर देन द फ्रंट व्हील। फ्रंट व्हील को ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी फोर्स की, क्योंकि वेट क्या है, आगे शिफ्ट हो गया है। तीसरा कंडीशन अगर ले हम कि ड्राइवर ड्राइव कर रहा है, को ड्राइवर भी साथ में, पीछे की साइड पे, पीछे की सीट पे पैसेंजर बैठे हुए हैं, यानी अब क्या हुआ, लोड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, आगे भी लोड है पीछे भी लोड है। अब कंपेयर करेंगे बाकी के दोनों कंडीशन से, उस कंडीशन में, अब इस कंडीशन में जबकि पैसेंजर भी साथ में है, तो आपका जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा और जो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो व्हील्स को जो ब्रेक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी वो अलग अलग होगी। चौथा कंडीशन लेते हैं कि व्हील्स, ड्राइवर है ड्राइव कर रहा है, को ड्राइवर है, पैसेंजर है और साथ में लगेज भी आ गया। अब क्या होगा, अब जो फोर्स जो है, जो लोड है, वो पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। अगर हम कंपेयर करें फ्रंट के वेट लोड से, पीछे की तरफ देखें तो जो लोड है पीछे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में आपको जो जो ब्रेक, जो फोर्स अप्लाई करेंगे तो मे बी पीछे वाले व्हील्स की रिक्वायरमेंट जो फोर्स की होगी वो ज्यादा होगी रेदर देन फ्रंट व्हील। चार केस हमने देखे, ड्राइवर के साथ, ड्राइवर को ड्राइवर के साथ, तीसरा ड्राइवर को ड्राइवर पैसेंजर, और चौथा ड्राइवर को ड्राइवर पैसेंजर एंड द लगेज। चारों केस में जो व्हील्स की रिक्वायरमेंट है, व्हील्स को रोकने के लिए जो ब्रेक फोर्स की रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग है, इसलिए ईबीडी की जरूरत पड़ी, क्योंकि हर एक टाइम पे अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग ब्रेक फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है और ये ईबीडी इसीलिए लाया गया था, इसीलिए इसका नाम ईबीडी रखा गया, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। ये इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है। दूसरी चीज, आप एक मोमेंटम के साथ व्हीकल को रन कर रहे हो, आपने सडनली ब्रेक लगाया, उस कंडीशन में क्या होगा, अगर ईबीडी एक्टिव नहीं होगा या एबीएस और ईबीडी इंटीग्रेटेड पार्ट है एक दूसरे के, उस केस में अगर ब्रेक लगाया आपने और ब्रेक डिस्टेंस को अगर कंट्रोल नहीं कर पाया तो क्या होगा, वो ऑब्स्टेकल को टच करने का रीजन बन सकता है। लेकिन अगर ईबीडी के साथ व्हीकल्स हैं आपके, उस कंडीशंस में आपकी जो व्हीकल्स होगी वो डायरेक्शनल कंट्रोल में होगी, ड्राइविंग स्मूथ होगी, आपकी जो कंट्रोलिंग पावर होगी वो अच्छी होगी एज कंपेयर टू विदाउट ईबीडी व्हीकल। तो ये इसलिए ईबीडी को लाया गया था, ईबीडी को लाने का पर्पस यही था, पहली चीज। दूसरी चीज, अब ईबीडी वर्क कैसे करता है, तो हम बात करते हैं ईबीडी वर्क कैसे करेगा। पहली, सबको पता है व्हील सेंसर्स लगे होते हैं, व्हील स्पीड सेंसर्स लगे होते हैं। व्हील स्पीड सेंसर क्या करता है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट्स आपका व्हील स्पीड सेंसर है, वर्किंग की बात कर रहा हूं मैं। व्हील स्पीड सेंसर व्हील की रोटेशंस को सेंस करता है और ईसीयू को मैसेज पास करता है, यानी दूसरा कंपोनेंट आपका ईसीयू हो गया, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट। तीसरा क्या है आपका, इसमें ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर है। अब तीनों का क्या रिलेशन है, कैसे वर्क करता है, अभी देखते हैं। सबसे पहला चीज,
कि अगर हम बात करें व्हील स्पीड सेंसर की, व्हील स्पीड सेंसर ने क्या क्या किसका काम किया है, व्हील का रोटेशन जब तक होगा ये एक्टिव रहेगा। व्हील स्पीड सेंसर क्या करता है, ईसीयू को मैसेज पास करता है कंटिन्यूअसली कि व्हील की रोटेशन कितनी हो रही है। सो अब ईबीटी का क्या रोल है, ईबीटी के कंडीशन जैसे ही आप ब्रेक आपने अप्लाई किया, ब्रेक अप्लाई किया तो व्हील स्पीड सेंसर सेंस करता है कि आरपीएम जो है ग्रेजुअली चेंज हो रही है, बढ़ रही है, कम हो रही है, उसको सेंस करके ईसीयू को पास करता है, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट को। और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट क्या करता है, ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर एक कंपोनेंट है इसका, ब्रेक फोर्स मॉड्यूलेटर को पास करता है और अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हील्स ब्रेक फोर्स उसको फोर्स पास करता है और उसी के अकॉर्डिंगली ब्रेक अप्लाई होता है अलग अलग व्हील्स पे अलग अलग फोर्स के साथ। एक और एग्जांपल लेता हूं, अगर आपने गाड़ी की टर्निंग लेफ्ट ली तो लेफ्ट लेने का मतलब कि राइट वाले व्हील्स पे आपको क्या होगा, ज्यादा ब्रेक फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो उस कंडीशंस में भी ईबीडी एक्टिवली वर्क करता है। दूसरा अगर आप एग्जांपल लें, जब आप सामने अचानक से कोई ऑब्स्टकल आता है, जब ऑब्स्टकल आएगा तो आप जब फोर्स जब ब्रेक पेडल लगाओगे रोकने के लिए ताकि एक्सीडेंट ना हो, उस कंडीशन में मोमेंटम जो होता है आगे वाले व्हील्स पे ज्यादा होता है, यानी कि आगे वाले व्हील्स पे ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो वहां भी ईबीडी इफेक्टिवली वर्क करता है इन कोलैबोरेशन विद द एबीएस सिस्टम, राइट। यानी कि आप ये स्कीड होने से एबीएस बचा रहा है, लेकिन वही व्हील्स को अलग अलग फोर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ईबीडी प्रोवाइड कर रहा है। इसके सबसे बड़े एडवांटेज क्या है, तो दोस्तों जो व्हील्स इसके सबसे बड़े जो एडवांटेज क्या है कि जो रिड्यूसिंग डिस्टेंस है आपके व्हील स्पीड सेंसर के, जो रिड्यूसिंग डिस्टेंस है यानी आपको ब्रेक लगाने के लिए जो ब्रेक लगाने का जितना डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कम हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा है डायरेक्शनल कंट्रोल जो है आपको प्रॉपर हैंडलिंग की वजह से कंफर्ट बना रखती है। तो आई होप आपको वीडियो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ कि ईबीडी कैसे वर्क करती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए एक लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, और साथ में जो बेल बटन है उसको प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू।